अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद होंगे सर सोहेल अलाहाबाद करोटाना। तो उनके कनेक्ट होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे हम, एंड फिर मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगी। आज का मेरा प्रोग्राम मेरे पहले प्रोग्राम से थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए होगा क्योंकि मेरे साथ मौजूद है एक हमा जोहद शख्सियत जो कि अपनी जिंदगी ही में हीरो नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के स्टार भी है। तो आइए वेलकम करते हैं सर सोहेल अलाहाबाद करोटाना को। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बहुत शुक्रिया जी। सर, जब मैंने आपकी प्रोफाइल पे चीफ लिखा देखा तो मेरा तो ट्राई निकल गया। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो क्रू चीफ लिखा हुआ था। तो सर प्लीज अपनी नेचर ऑफ जॉब के बारे में कुछ बताइए और अपने जॉब के सफर को आपने कैसे पाया। थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली मैं हूँ क्रू चीफ, होता है जो फाइटर जहाज होते हैं ना, इसको जो ग्राउंड क्रू होता है इसको जो सारा मैनेज करता है। जब पायलट आते हैं तो उसके बाद उसकी सारी इंस्पेक्शन और फिर उनको फ्लाई करवाना सारा ग्राउंड पे, ये क्रू चीफ का काम होता है। तो मैं इस वक्त पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में था, फिर यूएई एयरफोर्स में था, उसके बाद फिर मैं गल्फ एयर कतर एयरवेज वगैरह पाकिस्तान में जॉब करता रहा। अब मैं कतर एयरफोर्स में हूँ और मैं इस वक्त F-15 जहाज है जो ना जो अमेरिका से इन्होंने लिए हैं, तो उस पे जो है वो क्रू चीफ, मतलब उसकी वो जॉब है मेरी। राइट सर। सर जब मैंने आपके नाम में करोटाना देखा तो मैंने अपनी मामा से पूछा, मामा व्हाट इज करोटाना। तो मामा ने कहा कि इट सीम्स समथिंग रिलेटेड टू दीवाना, महा दीवाना, करोटाना। तो सर क्या मेरी मामा ने बताया मुझे? ये ऐसे ही है जैसे आपके नाम के साथ सिप्रा है ना, कास्ट है आपकी, ठीक है, तो बिल्कुल वही है जी। तो ये करोटाना एक्चुअली जट हैं हम और जट की सब कास्ट है करोटाना। जैसे वड़ाइच हैं, चीमा, चट्टा, ये जटों की ना सब कास्ट है, इसी तरह करोटाना भी सब कास्ट है। राइट राइट सर। सर आज मैंने सुबह सुबह फेसबुक देखी तो आपकी पोस्ट पे मेला लगा हुआ था। अंदाजा तो मुझे हो गया कि ये आपकी दोस्त है। तो सर पूछना तो मुझे सिर्फ ये था कि ये हामिद मियां जो कि आपका अक्सर मुखातिब होते हैं, मगर यहाँ तो बहुत सारे हामिद आ गए, तो कुछ बताइए इस बारे में सर। हामिद मियां हामिद जो है ये मेरे दोस्त हैं, लंदन होते हैं और इनसे काफी पुरानी दोस्ती है मेरी। तो इनके साथ बड़ा अच्छा मेरा मजाक चलता है, वैसे तो काफी सारे दोस्तों के साथ चलता है लेकिन कुछ के साथ थोड़ा सा अलग इस तरह का बन जाता है कि आप उनके साथ फ्रैंकनेस कह लें या एक लेवल इस तरह का आ जाता है कि आप उनको बगैर पूछे उनको आमीन किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, या जिस तरह उनके मुतालिक बात कर सकते हैं किसी दोस्तों से, या जैसे पोस्ट लगा सकते हैं। तो लेकिन इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मैं एक हदूद खयूद में रह के तो वो चीजें करता हूँ उसके साथ, मजाक हंसी मजाक सब दोस्तों के साथ, लेकिन उसके साथ थोड़ा खसूसी है तो एक लिमिट में रह के उसके साथ मैं ये मजाक करता हूँ। उसको पता है ये सारी चीजों का, जाहिर उसको पता होता है और मैं कभी भी पूछने की जहमत नहीं मैंने की कि यार मैं ये चीज कर रहा हूँ, तो उसको पता है कि जो भी होगा ये कुछ मतलब गलत नहीं होगा, एक मजाक के तौर पे होगा और दोस्तों को लाइक एंटरटेन करने के लिए होगा, ये ऐसे है कुछ। ओके सर। सर हमारे यहाँ आमतौर पर अपनी जिंदगी में नहीं और मतलब लोग अपने आसपास इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने इर्द गिर्द खुशियां बिखेरते हैं, अपने इर्द गिर्द रौनक लगाते हैं। सर आप उन्हीं में से हैं, तो सर आपकी शायस्ता और नफीस तबीयत में क्या राज है?
मुझे सुन पा रहे हैं? जी अब शुरू से ही ना, सॉरी मैंने, आवाज आ रही है आपको? सॉरी जी सर, आवाज जी, इसका मैंने कहा कि कोई कैलकुलेटेड मेरे पास जवाब तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि शुरू से बचपन से ही, एक तो मेरे कजन वगैरह उनके साथ इस तरह हंसी मजाक और सारी चीजें, फिर मैं एयरफोर्स में था तो वहां पे भी माहौल इस किस्म का, दोस्तों के दोस्त मिल गए कि उनके साथ हंसी मजाक और फ्रेंडनेस और सारा कुछ। फिर अगर आप बेसिकली बुनियादी अगर मैं उस पे आऊँ, अगर क्योंकि आपको मिजाज लिखने के लिए या करने के लिए शुस्ता मिजाज स्पेशली मेरे ख्याल में मुताले की बहुत जरूरत होती है, तो मैंने बहुत शुरू से जब आई थिंक स्कूल में था या कॉलेज में जब, तो मैंने यूसुफी को शुरू ही यूसुफी से किया, मुश्ताक यूसुफी को पढ़ना, और उसके बाद बाकी मिजाज निगार भी कुछ पढ़े, तो मुताले का शौक रहा। तो मेरे ख्याल में फिर शायद वो एक थोड़ा सा हो गया कि मुझे कि अगर मजाक करना है कि लिखना है या बात करनी है, तो उसको किस तरह एक शुस्ता किराए में और हदूदों के यूज में रह के कैसे किया जाए, तो बस ये थोड़ा सा वो। और फिर कुछ तबीयत भी हर बंदे की अपनी अपनी होती है, तो कुदरती तबीयत भी मेरी ऐसी थी कि बस हंसी मजाक और घर में भी और कजनों में भी दोस्तों में भी इस चीज से, जिस तरह होता है कि फलां बंदा यार वो बहुत हंसी मजाक करता है या महफल वाला है, तो इस तरह दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह याद करते हैं आप भी, तो बस ये थोड़ा सा एक है। राइट सर। सर मुश्ताक यूसुफी लिखते हैं, कहते हैं कि निचोड़े तो उसमें से आंसू निकलने चाहिए। सर इसका क्या मतलब है और इंसान के लिए हंसना कितना जरूरी है? हंसना देखिए मौके के मुताबिक, जहां पर मौका बनता है तो, या इंसान को असल में मुस्कुराहट या हंसी ये एक थेरापी का काम करती है। अच्छा जहां तक वो एक चीज आपने वो जो कोट किया है उसको मतलब के जी, कोई जिसको गम या परेशानी ज्यादा होती है वही हंसी बखेरता है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हो, मेरा अपना जाती ख्याल है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे मेरा ख्याल ऐसा होता नहीं है। वैसे तो मैं इस सिलसिले में बड़ा अल्लाह का ब्लेसिंग है कि अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी ऐसा तो नहीं। बाकी देखिए दुख गम हर चीज तो इंसान के साथ जाहिर है, अल्लाह पाक ने कर दिए हैं, वो तो एक जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ मसले मसाइल अल्लाह ने बड़ा शुक्र अदा, अल्लाह उसका शुक्र अदा करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो हंस मुख जो बंदा रहता है वो फिर ये कोशिश करता है कि यार बाकियों को भी मैं ना हंसता हुआ ही देखूं, ये हर इंसान की जिसको कहते हैं ना कि आई थिंक अलग अलग नेचर होती है, तो मेरी थोड़ी सी नेचर इस तरह की है शुरू से ही, नेचर का इसमें काफी हद तक अमल दखल कह सकते हैं आप। अच्छा सर, सियासत का शऊर एक आम आदमी के लिए कितना जरूरी है? सियासत का शोर, बेसिकली सियासत का शोर आप इसको यूं कह सकते हैं कि हर इंसान को अपने हकूक और जिसको कहते हैं ना कि अपने अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरे हकूक क्या हैं, तो बेसिकली सियासत इसी चीज का मेरे ख्याल में नाम है कि आप मुआशरे में रहते हुए अपने हकूक के बारे में बात कर सकें, उसकी राय दे सकें, उसके बाद अपनी, तो ये मेरे ख्याल में एक सियासत हमारे यहाँ तो जाहिर है एक उसका बिल्कुल ही डिफरेंट नाम दिया जा चुका है, लेकिन शायद इसी चीज को, खिदमत को या मुआशरे में अच्छे काम करने को, मेरा तो ख्याल है इसमें ये चीज होती है। बाकी ये कि आज की जो सियासत है उसको अगर आप पाकिस्तान में कहें तो ये काफी डिफरेंट सी चीज है, जैसे जिसको हम कहते हैं कि जी फलां सियासत सियासत पे बात करनी है, इस पे बात ही ना करें कि वो जी अच्छी चीज नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक उसमें रह के तो डेफिनेटली कर सकते हो, करना भी चाहिए, ये जरूरी है मेरे ख्याल में इसमें हिस्सा लेना या सारी चीजें करना। सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कितना फासला होना चाहिए? ये इसमें मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ और मैं इस चीज को अप्लाई भी करता हूँ अपने आप को, अपने आप के ऊपर, कि इसको हम दो हिस्सों में रखना चाहिए। पर्सनल लाइफ को आप अपने बहुत अच्छे कोई दोस्त हैं या अजीज और अकारिब हैं उनके साथ तो डिस्कस करना एक समझ आती है, लेकिन अमूमी तौर पे क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे आप अपनी छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं नॉर्मली, तो उसमें होता ये है
आपके जो ऑडियंस होती है, आपके दोस्त होते हैं, उसमें चले कुछ को तो आप पर्सनली भी जानते हैं या उनके साथ एक अच्छा तलक बन जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे क्या होता है कि आप जो बात कर रहे होते हैं उसका बैकग्राउंड हो सकता है कि उन सब लोगों को मालूम ना हो, तो उसमें फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देते हैं, जिससे मनफी राय भी आ जाती है, तो वो बजाय इसके कि बंदा कुछ मोटिवेट हो या उसको एक मस्बत फीडबैक मिले, वो ज्यादा परेशानी का उसके लिए बायस भी बन सकता है मेरे ख्याल। तो इसलिए और बाज़ औक़ात में पर्सनल चीजें डिस्कस, बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें डिस्कस करने से आप अपने लिए अपने मसाइल बढ़ाते हैं मेरे ख्याल में। तो आप इसको जो इसका मीडियम है जिसके लिए, लाइक फर्ज करें आप पढ़ने के लिए या सियासत के लिए या मजहब के लिए या बहुत सारे मौजूदात हैं जाहिर है, आर्ट के लिए, फोटोग्राफी के लिए, जिसके लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, बट पर्सनल को बस एक इतना करें कि जिस पे आपकी जिंदगी, आपके पर्सनल खानगी जिंदगी हो गई या आपकी पर्सनल किसी किस्म की एक्टिविटीज को, वो हर्डल्स ना हो और उसमें उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये मेरा ख्याल है। सर, सोशल मीडिया पर हम अपने रवैयों को क्यों के बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर जहां तक मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, जब मैंने 2009 या 10 में शुरू किया था तो उस वक्त तो इतना ज्यादा नहीं, फिर ऐसा ऐसा जब दोस्त बनते गए और जब ये जाहिर लोग फेसबुक या इंटरनेट ज्यादा वो होता गया तो इंटरेक्शन भी ज्यादा होता गया, तो बहुत सारे मैं पर्सनली उस पे आऊंगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी हैं कि कैसे बात कैसे दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना है, रद्द अमल कैसे देना है। स्पेशली एक बहुत बड़ी चीज होती है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग, मैं हासिल कौन हो सकता है मेरे से बेहतरी, हम रद्द अमल देना नहीं जानते हैं ना, या रद्द अमल देने में बहुत जल्दी कर जाते हैं, तो ये जो रद्द अमल देना है इस पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सोच समझ के। क्या होता है कि हमारे जो अब सोशल मीडिया पे, अभी आप देखें फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई भी वाकया कुछ भी हुआ ना, जो ही उस पे वो फीड पे लोगों की आया तो उसी वक्त उस पे मनफी मस्बत जैसे भी तबसरे, स्पेशली मनफी किस्म के या उसको बगैर तस्दीक किए एकदम चीजों को शेयर करना या डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो या उस पे रद्द अमल देना शुरू कर देते हैं, तो उसको मेरे ख्याल में रद्द अमल देने में थोड़ा सा वो करना चाहिए, वक्त लेना चाहिए या उसको देखभाल के करना चाहिए ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हसास चीजें होती हैं या कुछ ऐसी चीजें बाद में पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही इसके मुखालिफ चीज थी जो लिखा गया है या उसके उल्ट थी, तो ये तो एम्बेरसमेंट होती है मेरे ख्याल में अगर कोई समझे तो। राइट सर, सर आपका अपने सोशल मीडिया फैमिली के लिए क्या पैगाम है? पैगाम तो यही है जो हर बंदे की अपनी, जो कि जिस तरह की वो नेचर होती है या जिस तरह का उसका आप ये कह लें कि उसकी तबीयत होती है, उसके मुताबिक मैं तो ये कहूँगा, या उसका रुझान होता है, मिलान होता है, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे तरीके के साथ, इखलाक के साथ, हंसी मजाक के साथ, एक दूसरे के साथ के इंट्रैक्शन रखना चाहिए प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है, मतलब बहुत हो जाते हैं लोगों के आपस में चपलेश भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, हल्का फुल्का तो चले मुखाल इख्तलाफ होना और चीज है, लेकिन इखलाकियात से बाहर जाकर बात करना, ये वो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये हमें मिनहाजुल कौम हमें ये सीखना चाहिए, करना चाहिए ये चीज। राइट सर, सर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इट्स बेसिकली अ फन सेगमेंट, इसलिए आपने महाभारत को प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करके एक्सप्लेन करना है, या आप मुझे इसका वन सम सॉरी सॉरी वर्ड दोबारा सर कीजिए, सॉरी मुझे आवाज क्या कह रही अब है। मैं आपसे कुछ महाभारत पूछूंगी जिसको हाँ आप हाँ जिनको आपने प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करना है, या आप इनको किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी से रिलेट करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं। अच्छा, ओके सर, आर यू रेडी? जी जी बताए। राम राम जपना पराया माल अपना। राम राम जितना पराया माल अपना, ऐसा ही है कुछ है ना ये, तो इसको कैसे डिफाइन करना है, सॉरी
हेलो सर प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करते हैं या आप इसको किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के नाम लेकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देते हैं? इसमें हम एक अपने साबक सदर के साथ ही जोड़ सकते हैं जो इस वक्त साबक हो चुके हैं जो कि किसी सर्व एक पार्टी के शायद सरबराह भी हैं। ओके सर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। ये मुश्किल है। इसको अगर किसी पार्टी या सियासत अगर स्पेसिफिकली पॉलिटिकली पूछ रही है ना, राइट, यस सर। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ये मेरे ख्याल में फिर वही जाएगी जो हमारे वजीर खारजा हैं, शायद मैं उनपे ये इसको मंतव्य कर सकूंगा। राइट सर, तबेले की बला बंदर के सर। इसका मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी दीदी, इसका नहीं ओके मुझे सर, पता, आई एम सॉरी। मुकद्दस गाय, क्या? मुकद्दस गाय। हाँ, जिसका नाम लेने से हम सब डरते हैं ना, और मैं भी उस मुकद्दस गाय का कुछ हिस्सा रहा भी हूँ उस सिस्टम का। अच्छा, चलें आगे चलें। तीस मार खां, तीस मार खान, तीस मार खान, नहीं इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकूंगा, आई एम सॉरी टू से। ओके सर, दो जी, मुलाओं में मुर्गी हराम। ये तो इस वक्त दो मुल्लाओं से ज्यादा हम कह सकते हैं कि 11 मुल्लाओं में मुर्गी मुर्गा हर चीज हराम ही पड़ी है। सर मुंडाते ही ओले पड़े। इसको पॉलिटिकली अगर आप देखें, सर मंडाते ही ओले पड़े। इसको आप किस पे मंतव्य कर सकते हैं? इसको आप हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं बेचारे, कि वो आते ही गया और शौक से हुकूमत ली और उसको फिर समथिंग हैपन रॉन्ग हैपन विद हिम। बात बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तो हमारा, आप इसको तो हर सियासतदान में कर सकते हैं, हर जो भी कोई पार्टी किसी भी पार्टी में है, हर किसी का जो है वो दीन ईमान इस वक्त वो रुपया ही है। ओके सर, यू प्लेड वेरी थैंक वेल यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।